अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है तो आज हम मिलके बनाते हैं गुड़ वाली सेवैयाँ। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम पैकेट जो लेंगे सेवैयों का, मोटी वाली सेवैयाँ। 400 ग्राम हमने इसमें डालना है गुड़। एक मुट्ठी भर के हमने लेनी है पिस्ता बादाम, 3 से 4 अदद हमने लेनी है सब्ज़ इलायचियाँ, और 3 से 4 टेबल स्पून हमने लेना है गुड़। सबसे पहले गुड़ को हमने तोड़ लेना है छोटे छोटे पीसीज में, क्योंकि वो फिर जब हमने इसे मेल्ट करना है पानी डाल के तो ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको तोड़ लिया है। इसको आप पैन में डालें और इसमें आपने शामिल करनी है 2.5 जो कप हैं चाय वाले, नॉर्मल जो मग होते हैं वो हमने 2.5 इसमें शामिल करने हैं। हम बाद में पानी जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, अभी हमने इसमें 2.5 ही ऐड करना है। तो ये साइज़ देख लें आप मग का। दूसरी तरफ हमने जो बटर है वो लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है। उसमें 3 से 4 अदद जो हमने इलायचियाँ डाली हैं उनको पकाया है 1 आध मिनट, और उसके बाद हमने जो सेवैयाँ हैं उनके लच्छों को हमने हाथ से अच्छे से तोड़ के इसमें डालना है, साबुत नहीं डालना है क्योंकि वो अच्छे से फिर ब्राउन नहीं होंगी। तो इसको हमने लो से हल्की जो है ना, मीडियम, सॉरी, लो से मीडियम आँच पर हमने इनको पकाना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आँच पर पकाएंगे तो वो जल जाएंगी, तो इसलिए आपने आँच जो है मीडियम रखनी है। गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया है, अब इसमें हमने डालनी है सिर्फ 2 घूंट, ज़्यादा नहीं, या 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं दूध, क्योंकि उससे क्या होगा कि सारी जो मैल है, जो गंध है गुड़ में, वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए सारा ऊपर आ गया है। अब आपने सिव लेके इसको सब जो गंध है इसको आपने निकाल देना है, और ये हमारा गुड़ जो है वो साफ़ हो गया है। अभी फिर भी हम जब इसको सेवइयों में डालेंगे तो इसको हम फिर दोबारा सेव कर लेंगे। सेवइयाँ जो हमारी देखें ये आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, इनको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। कुछ ब्राउन हो जाएं, कुछ वाइट रह जाएं तो वो देखने में एंड पे जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा वाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना हो, बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना चम्मच चलाते रहना इसमें। ये देखें इस तरह ये हो गई हैं। अब हम इसमें अपना गुड़ वाला जो पानी है वो शामिल करेंगे, और ध्यान रहे कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं जले आपका। ये देखिए मेरा हाथ जलते जलते रह गया। तो ये सारा पानी आपने इसमें शामिल कर देना है। पानी मुझे इसमें कम लग रहा है क्योंकि ये चावलों की तरह बनती हैं, इसे हमने पानी इसमें और शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें वही जो कप मैंने पहले इसमें 2.5 डाला था, अब मैं इसमें दोबारा डाल रही हूँ 1.5, और इसमें शामिल किया मैंने, ये भी मैंने 1 कप डाला था तो मुझे कम लग रहा है, तो मैंने इसमें आधा कप जो है इसमें मैं और शामिल करूँगी। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और अब हमने क्या करना है इसके ऊपर लिड लगा के इसको कवर करके हमने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं, मीडियम से हाई के दरमियान आपने रखना है, और इसको इसी तरह आपने बीच बीच में चेक करते रहना है, और फिर दोबारा इसको लिड लगा के आप कवर कर दें। जब तक पानी ड्राई नहीं होता तब तक हमने इसको ऐसे ही बीच बीच में चेक करते रहना है और कवर करके रखते रहना है लो मीडियम मीडियम आँच पे। तो ये देखें हमारा ये सेवइयों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे दम लगाएंगे चावलों की तरह। तो आप कोई कपड़ा ले लें या फॉइल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वो उसके साथ कवर करके अच्छे से इसको 10 से 15 मिनट आपने इसको कवर करके रखना है। तो ये देखिए सेवइयाँ हमारी माशाल्लाह रेडी हैं, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी। गुड़ के साथ इसका डिफरेंट ही कुछ टेस्ट था, सबने बहुत ही पसंद की ये सेवइयाँ। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाइएगा, और अगर आप बनाएँ तो प्लीज़ तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा ज़रूर कि आपकी सेवैयाँ कैसी बनी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिले। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।